हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह बना रही हूँ व्लॉग, और जल्दीबाजी में थी मैं उस टाइम, क्योंकि नहाया धोया था और उसके बाद मंदिर भी जाना था। और नाश्ता बना रही हूँ मैं अभी, आज संडे का दिन है तो बहुत देर हो गई थी। मतलब नाश्ता करने में थोड़ा देर हो जाती है क्योंकि कपड़े वपड़े धुलने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैं वही बता रही हूँ कि मैं अभी चीला बना रही हूँ बेसन का, और देवर जी को नाश्ता कराना है क्योंकि हस्बैंड जी तो नाइट ड्यूटी करके आए तो वो सो गए। तो यहाँ पर मैंने फिर हाथों हाथ सबके लिए नाश्ता बना लिया था, रोटी भी बना ली साथ में और चीला भी बना लिया, और यहाँ पर एक पराठा भी बना लिया था। तो बस नाश्ता बनाते बनाते मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया था। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ, सुबह बहुत देर हो गई है। वैसे तो मैंने सुबह थोड़ा बहुत आपको दिखाया था, तो अभी 10:30 हो रखा है और हम लोग मंदिर से भी आ गए हैं। और आने के बाद मैंने तो नाश्ता भी कर लिया है, अभी बर्तन ऐसे ही पड़े हुए हैं, इनको धोना है, और कपड़े वगैरह सब सुखा के आ गई हूँ। और अभी यहाँ पर दो बार भैया भी आ गए हैं, जो कि इतनी देर में आते थे, आए वो भी आ गए हैं। तो इतनी देर में हमारा नाश्ता हो रहा है, संडे के दिन हो ही जाता है, थोड़ा कपड़े वगैरह धोने होने हो जाते हैं, थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है संडे के दिन। तो यहाँ पर दूध मैंने रख दिया गर्म होने के लिए, और नाश्ता पानी कर लिया है। तो फिर पहले मैं यहाँ पर किचन की सफाई कर देती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, ठीक है? देखो सब पूरा ऐसे बर्तन वर्तन पड़े हुए हैं सब, किचन तो मैंने साफ़ ही कर दिया। थोड़ा बहुत यहाँ पे जो चीला बनाया था ना उसका ये पड़ा है, अभी ये साफ़ करना है। तब तक दूध भी उबल जाएगा और मैं बर्तन भी धुल जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली 11 बज चुके हैं और नाश्ता पानी करके सारा काम हो चुका है, और अब मैं फ्री हूँ। सो अब मेरे को मैंने नेल्स कट करने हैं, तो मैं काटने जा रही हूँ, थोड़ा बाल बना लेते हैं, उसके बाद फिर मिलेंगे आप लोगों से। दोस्तों दिन का टाइम हो गया, यहाँ पे गाय आई हुई है बाहर से, हम बेटी उसको पानी पिला रहे हैं। वो यहाँ पे आई हुई है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी उसको पानी दिखाया था, बट उस टाइम उसने पिया नहीं, पता नहीं क्या बात होगी। पी रही है अभी? पी रही पानी? पी रही थी? पी रही फिर बाल्टी में? सब पता नहीं बाल्टी से क्यों नहीं पी रही, वो कूलर में पानी है ना वहाँ पे, वहाँ से पानी पी रही थी बता रहे हैं अभी, बाल्टी में से पता नहीं क्यों नहीं पी रही। पी लिया इसने अब? अच्छा, पता नहीं गाय बाल्टी में से तो थोड़ा सा पिया बता रही है, और कूलर है ना वहाँ पे, उसमें ठंडा पानी आ रहा होगा, तो उसमें से पी रही थी। मैं तो अंदर थी तो इन्होंने देखा होगा, तो उसको पानी पिलाने में लगे बाहर से। तो दोस्तों 6:30 बजे का टाइम हो रखा है, और मैं ऊपर जा रही हूँ अभी कपड़े उठाने भी, और साथ में सब्जी वब्जी तो बना के आ गई हूँ, आज कच्चे केले की सब्जी बनाई हुई है। और हमें भी छत में 6:30 हो गए, लेकिन अभी बहुत तेज़ धूप आ रही है, मन नहीं कर रहा छत में आने का भी। तो चलो चलते हैं कपड़े भी उठाने हुए। दोस्तों मैं छत में ऐसे ही घूम रही थी, तो मैंने अभी नोटिस किया कि यहाँ पे जो हमने मिर्ची लगाई हुई थी ना, उसमें एक मिर्ची आई हुई है, अभी मैंने देखा, आपको भी दिखाती हूँ। ये देखो एक मिर्ची हुई है इसमें, बड़ी मुश्किल से एक पौधा और है नीचे, इसमें तो फूल ही आ रखे हैं अभी, तो हुए तो नहीं है मिर्च, देखते हैं होते हैं कि नहीं होते। फूल तो आ ही रखे हैं वैसे, पता नहीं होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों खाना पीना सब बन चुका है, रोटियां भी मैंने बना ली हैं, 8:10 हो रखे हैं, और मेरे हस्बैंड जो रहे हैं क्या बोलते हैं कंपनी के रहते हैं यार, तो इनको कैमरे में आना उतना अच्छा नहीं लगता, तो ये अभी ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे हैं बस, ये देखो। और इनका बैग भी तैयार है यहाँ पे, बैग लेके जाएंगे और उसके बाद फिर मिलेंगे आप लोगों से, ठीक है? आज के ब्लॉग में यहीं पर एंड कर देती हूँ, कुछ भी नहीं दिखाने के लिए अब, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।